इस वीडियो में हम दो तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ओ रोबोट्स के रिगार्डिंग डिटेल्स में बात करेंगे। इसके अलावा इकोसिस्टम वेब एड्रेस के बारे में, ओ मीडिया फेसबुक पेज के बारे में, इसके अलावा हम ऑन प्रोसेसर के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ओ रोबोट्स की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि ओ मीडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके रिगार्डिंग कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आया हुआ है। उम्मीद है आपने चेक किया होगा, रीड किया होगा, लेकिन अगर आपने अभी तक रीड नहीं किया है तो ओ मीडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके रिगार्डिंग आप कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें यह इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ऑन पैसिव को अपने न्यू प्रोडक्ट यानी कि ओ रोबोट्स को इंट्रोड्यूस करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ओ रोबोट्स एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो यूजर्स के लिए एक यूनिक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यह प्रोडक्ट कंबाइन करता है। इस प्रोडक्ट में टू टाइप के रोबोट्स शामिल हैं। फर्स्ट मिनी रोबोट्स है जो कि पर्सनल यूज के लिए है, एंड सेकेंड बिग रोबोट है जो कॉन्फ्रेंस एंड पब्लिक प्लेसेस पर पब्लिक के साथ इंटरेक्ट यानी कि बातचीत करने के लिए यूज किया जाएगा। फ्रेंड्स, तो मिनी रोबोट की अगर हम बात करें तो यह छोटा स्मार्ट रोबोट और रोबोट्स सीरीज का फर्स्ट प्रोडक्ट है और यह 30 यानी कि 30 सेंटीमीटर लंबा है और इसे एक इंटरैक्टिव ऑफिस टूल के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह एडवांस्ड ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजीज पर निर्भर करता है जो इसे वॉइस कमांड्स का जवाब देने में सक्षम बनाता है, जिससे यह यूजर्स को उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्यों को पूरा करने में सहायता करने के लिए उपयोगी हो जाता है और यह उन प्रोफेशनल्स के लिए आइडियल बनता है जो अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के तरीकों की क्लास कर रहे हैं। एंड रोबोट्स को कस्टमर की आवश्यकताओं के आधार पर ट्रेंड किया जाता है, जो एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर के लिए अलग अलग कस्टमाइज्ड सर्विस का प्रोविजन सुनिश्चित करता है। इसके बाद अगर हम बिग रोबोट की बात करें तो बिग रोबोट 165 सेंटीमीटर ऊंचा है जो इसे ह्यूमन बॉडी के प्राकृतिक आकार जैसा बनाता है। यह एक एडवांस्ड रोबोट है जिसे स्पेशली कॉन्फ्रेंसेस एंड पब्लिक प्लेसेस पर पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करने मतलब बातचीत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका यूज संस्थानों और कंपनियों के प्रवेश द्वार जैसे प्रतिष्ठित स्थानों पर भी किया जा सकता है और मिनी रोबोट की तरह जानकारी प्रोवाइड करने, गेस्ट एंड कस्टमर्स का वेलकम करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है, जिससे यह उन सिचुएशंस के लिए भी आइडियल बन जाता है जिनमें क्लियर एंड इंटरैक्टिव प्रेजेंस की आवश्यकता होती है और इसे किसी भी अलग अलग अवसर पर विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों के पावर को रोबोट्स यूज़ करते हैं जिससे उन्हें एक्सपीरियंस से सीखने और यूजर्स की ज़रूरतों को समझने में आसानी होती है। यह इंटीग्रेशन सर्विस के बेहतर लेवल को सुनिश्चित करता है जिससे हम टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करने के तरीकों को बदल देते हैं। और रोबोट्स एक अत्याधुनिक प्रोडक्ट है जो यूजर्स एंड कस्टमर्स के लिए एक यूनिक इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंबाइन होने से हम रोबोट और टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करने यानी कि बातचीत करने के तरीकों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। चाहे आप डेली कार्यों को पूरा करने में आपकी सहायता करने के लिए एक टूल की तलाश कर रहे हों या फिर आपको अपने कॉन्फ्रेंसेस एंड बिजनेसेस के लिए एक इंटरेक्टिव इंटरफेस की आवश्यकता हो, ओ रोबोट्स एक इफेक्टिव एंड इनोवेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इन रोबोट्स को आपकी पर्सनल ज़रूरतों को पूरा करने और एक यूनिक एंड इफेक्टिव यूजर एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑन पैसिव को इस अमेजिंग प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने पर बहुत खुशी हो रही है। ऑन पैसिव का लक्ष्य इस प्रोडक्ट के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर किसी के पास पहुँचाना है। तो ये था फ्रेंड्स ओ रोबोट्स की रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन। आप खुद भी ओ मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इकोसिस्टम के वेब एड्रेस के बारे में। कुछ लोग यहाँ पर जो हमारा इकोसिस्टम का ऑफिशियल वेबसाइट है तो उसका ट्रैफिक चेक करने के लिए रॉन्ग वेब एड्रेस को टाइप करके ट्रैफिक को चेक करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, आपको ऐसा नहीं करना है और जब भी आप ऑन पैसिव के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर आप शेयर करते हैं तो शेयर करने से पहले आप चेक करें, उसको वेरीफाई करें कि जो आप शेयर कर रहे हैं क्या वो करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर इकोसिस्टम का जो ट्रैफिक चेक करने के लिए आप चेक करते हैं, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लेकिन आप करेक्ट
वेब एड्रेस को टाइप करके ही सर्च कीजिए, चेक कीजिए फ्रेंड्स, राइट। कुछ लोग यहाँ पे रॉन्ग वेब एड्रेस को टाइप करके उसका ट्रैफिक चेक करते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए फ्रेंड। आपको अगर चेक करना है तो करेक्ट एड्रेस ही टाइप करके चेक कीजिए। तो अगर किसी को इकोसिस्टम के करेक्ट वेब एड्रेस की जानकारी लेनी है तो इसके लिए सिंपली आपको अपना इकोसिस्टम का लॉगिन पेज ओपन करना है। लॉगिन पेज ओपन करने पर ऊपर सर्च बार जो होता है, जहाँ पर हम कोई भी चीज़ टाइप करके सर्च करते हैं ब्राउज़र पर, तो वहाँ पर ध्यान से देखिएगा इकोसिस्टम जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है उसका करेक्ट वेब एड्रेस आपको दिखाई देगा। तो वो हमारा करेक्ट वेब एड्रेस है हमारे इकोसिस्टम वेबसाइट का। मैं आपको यहाँ पर बताना भी चाहूँगा जो हमारा करेक्ट वेब एड्रेस है वो है ecosystem.onpassive.com। ये हमारे ऑफिशियल इकोसिस्टम वेबसाइट का करेक्ट वेब एड्रेस है। अगर आप कहीं टाइप करते हैं, कोई भी चीज़ चेक करते हैं, ट्रैफिक चेक करते हैं, कोई भी चीज़ आप चेक करें, अच्छी बात है, लेकिन करेक्ट वेब एड्रेस टाइप करके ही सर्च करें। करेक्ट कौन सा है? ecosystem.onpassive.com। ये हमारा इकोसिस्टम ऑफिशियल वेबसाइट का करेक्ट वेब एड्रेस है। कुछ लोग यहाँ पर जब ट्रैफिक चेक करने की बात आती है तो वहाँ पर ecosystem.onpassive.live.com ऐसा कुछ करके यहाँ पर टाइप करके चेक करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है फ्रेंड। हमारा करेक्ट वेब एड्रेस है ecosystem.onpassive.com। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिए कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो पहले आप चेक कीजिए कि आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आप सोशल मीडिया पर कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑन पासिव के रिगार्डिंग शेयर करें। इसके अलावा अगर हम ओ मीडिया के ऑफिशियल फेसबुक पेज की बात करें तो किसी पर्सन ने ओ मीडिया का लोगो एंड इसका नेम यूज़ करके एक फेसबुक पेज क्रिएट किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ऑन पैसिव या फिर ओ मीडिया की तरफ से उसका लोगो एंड उसका नेम यूज़ करके फेसबुक पेज क्रिएट करना अलाउड नहीं है। अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है। तो किसी पर्सन ने क्रिएट किया है और लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप ओ मीडिया का ऑफिशियल फेसबुक पेज ही फॉलो कीजिए। एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसमें फॉलोअर देख लीजिए, ओ मीडिया का लोगो देख लीजिए, उसका नेम देख लीजिए, राइट। तो इसी पेज को आप फॉलो कीजिए जो ओ मीडिया का ऑफिशियल फेसबुक पेज है। और जिस पर्सन ने ओ मीडिया का लोगो एंड नेम को यूज़ करके फेसबुक पेज क्रिएट किया है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने फेसबुक पेज का जो लोगो है एंड जो नेम है उसको आप चेंज कर दीजिए, अपडेट कर लीजिए, आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड लास्ट में अगर हम ऑन यानी कि पेमेंट प्रोसेसर जो हमारा ऑन पैसिव का खुद का जो पेमेंट प्रोसेसर है उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें, तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर जो विड्रॉल की रिगार्डिंग बात की जा रही है कि मल्टीपल प्रोसेसर को यहाँ पर लाइनअप किया गया है हमारा विड्रॉल रिलीज करने के लिए, तो क्या इसमें हमारा खुद का भी पेमेंट शामिल है, मतलब खुद का भी पेमेंट प्रोसेसर जो है ऑन प्रोसेसर वो भी शामिल है या फिर नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि अभी इसके रिगार्डिंग ऑन पैसिव की तरफ से ऐसा की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि विड्रॉल रिलीज करने के लिए जो मल्टीपल प्रोसेसर्स को यूज किया जाने वाला है उसमें यहाँ पर ऑन पैसिव का जो हमारा खुद का पेमेंट प्रोसेसर है वो भी शामिल है। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। अगर ऐसी होगी तो आने वाले टाइम में ऐसा हमें खुद ही यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अभी जो यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसर को लाइनअप किया गया है ये थर्ड पार्टी है जिसको हम यूज कर रहे हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर जो हमारा खुद का प्रोसेसर है, खुद का पेमेंट प्रोसेसर है, उसकी रिगार्डिंग काम चल रहा है, और जब भी जो इन्फॉर्मेशन पॉसिबल होगी तो वो अपडेट वो इन्फॉर्मेशन ऐसा हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा।